नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजत ओबराय है। प्रोफेशनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने मास्टर्स किया है एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, NLP में। NLP मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको माइंड की प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ, वो टॉपिक थोड़ा रेयर है, लेकिन आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली इसके इफेक्ट लोगों को दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसका सॉल्यूशन होगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इसको एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक टर्म है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जबकि ये नॉर्मल जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट होता है उसके थ्रू थोड़ा रेयर, जल्दी ठीक नहीं होता है। मतलब इसको ठीक करने के लिए 1-2 साल 3 साल का ट्रीटमेंट रहता है ऑनगोइंग, जिसका नाम है पार्किंसन। जिन्हें पता नहीं है पार्किंसन क्या होता है, तो मैं उनको थोड़ा सा बेसिक वे में बता देता हूँ। आपके बॉडी के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर ऐसा पकड़ते हो, एक गिलास लो और आप उसको थोड़ी देर तक ऐसा पकड़ के रखिए, और वह हाथ ऐसा कांपने लग जाए, ठीक है। हाथ, पैर, मुंडी, शरीर का कोई भी हिस्सा, जो मसल्स, पूरी बॉडी तो मसल्स के थ्रू ही बनी होती है, तो अगर वो हाथ ऐसा कांपने लगता है, इट मीन्स आपके ऊपर पार्किंसन का इफेक्ट हो रहा है। आप उस बीमारी से आने वाले टाइम पे ज़्यादा जूझेंगे। अभी ये इफेक्ट चालू हो गया है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पकड़ते हो तो उसमें पकड़ मजबूत नहीं रहती है, और आप ऐसा सा आपका हाथ ऐसा कांपने लगता है, इसको बोलते हैं पार्किंसन। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, ज़रूरी नहीं सिर्फ हाथ, वो पैर भी हो सकता है, तो बॉडी का कोई भी पोर्शन, किस किस का हाफ पोर्शन वाइब्रेट होने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी चीज़, ये जो बीमारी होती है पार्किंसन, ये स्टार्टिंग में आपको सिर्फ वाइब्रेट करती है हाथ, लेकिन कई बार इसके जो मरीज़ होते हैं, जब बहुत इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बहुत पुराना हो जाता है, या इसको किसी तरह से आप ट्रीट नहीं करते हो, तो ये पैरालिसिस के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब मान लो किसी का हाफ पोर्शन वाइब्रेट होता है, आफ्टर सम टाइम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद वो बॉडी पोर्शन पे पैरालिसिस हो सकता है। अब मैं आपको बता दूँ ये होता कैसे है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बलबूते पे बता दूँ। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स, हार्ट, ब्रेन, कम्युनिकेशन, हाथ, स्टमक, लंग्स, किडनी, इन सबको कुछ ग्रह बूस्ट करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी के टॉप टू बॉटम बॉडी में जितने भी नर्व सिस्टम है, मसल्स है, उसको बूस्ट करने वाला एक ग्रह होता है। छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, किसी को हड्डी की तकलीफ है, डॉक्टर बोलता है इतनी बड़ी बॉटल देता है कैल्शियम की, बोलता रोज खाओ, और वो पर्सन 1-2 महीना खाता है तो उसके अंदर बॉडी में चेंज आने लगते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत होने लगती है। वैसे ही होता है पार्किंसन जो होता है, ये बॉडी के जितने मसल्स है, देखो अगर आप एक बता दूँ, ये जो आप ऐसा हाथ मुट्ठी बंद कर रहे हो, ये हड्डी के वजह से नहीं होता है, ये मसल्स के वजह से होता है, नर्व सिस्टम के वजह से होता है। ये जो मसल्स का जाल है पूरे हाथों पे, आपके पूरे शरीर पे, ये इसके थ्रू हाथ बंद हो रहा है। अब सिंपली कि अगर ये मसल्स, ये नर्व्स, ये पूरे जो मसल्स आपका हाथ आपके पूरे शरीर पे फैले हुए हैं, वो लूज होने लगे, तो आप अपने हाथ को ज़्यादा टाइटली बंद नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा टाइट बंद नहीं कर पाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी तरह से बंद भी नहीं होगा, क्योंकि ये मसल्स काम करना बंद कर रहे हैं, इनमें टाइटनेस नहीं है, इनमें शक्ति नहीं है, वो उतना स्ट्रांगली असर नहीं कर पा रहे हैं। किसी किसी की कुंडली में अक्सर आप देखिए कि बॉडी के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में एक ग्रह होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दैट्स अ यूनिक नॉलेज जो हर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होता है, तो थोड़ा सीक्रेट हम भी रखते हैं कि सही ज्ञान मिले, वरना अगर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जिसने ज्ञान नहीं लिया, आधा ज्ञान लेके वो लोगों को ट्रीट करने लगेगा और वो ठीक नहीं होगा, फिर से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बदनाम होगी। सो आई डोंट वांट दैट। एक ग्रह होता है जो बॉडी, पूरे बॉडी के मसल्स को बूस्ट करता है। कोई भी एज हो, अगर आपके बॉडी के मसल्स बहुत वीक हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्किंसन की फीलिंग आ रही है, दो ग्रह के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं, उन दो ग्रह को अगर बूस्ट कर दिया जाए तो
तो भले ही पार्किंसन आपको स्टार्ट हो गया है, आप उससे जूझ रहे हो, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, लेकिन जब आप उन ग्रहों को बूस्ट करते हो तो उनकी रेज आपकी बॉडी में जाने लगती है, आपके मसल्स फिर से टाइट होने लगते हैं, वो स्ट्रांग होने लगते हैं और फिर से आप अपने आप को फील करोगे कि मेरे हाथ में पकड़ मजबूत हो रही है। थोड़ा टाइम लगता है, एक डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेगा तो वो एक साल दो साल तीन साल से पहले बोलता ही नहीं कि जल्दी ठीक होगा, वो बोलता है कि टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसको अगर ठीक करना चाहो तो इट विल टेक टाइम, 3 मंथ से लेकर के 8 मंथ के अंदर परमानेंट सॉल्यूशंस। मैंने कई डॉक्टर्स को सुना है, वो बोलते हैं कि देखिए इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको आपको ऑनगोइंग टैबलेट खाते ही रहना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू खाते रहना है एक साल दो साल तीन साल। ऐसा नहीं है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एंशियंट साइंस है, वो जड़ में काम करता है, जड़ में। तो बचपन में ही हम बता सकते हैं कि कौन सी एज में इनको पार्किंसन का इश्यू आएगा। मैं एक सिम्टम बताऊंगा और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस लोगों को पार्किंसन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ एक छोटा सा, कि किसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मतलब उसका सूर्य कमज़ोर है और सूर्य मजबूत करता है सर, राइट आइज, हार्ट, हड्डी, डाइजेस्ट सिस्टम को। तो सूर्य कमज़ोर तो पांचों चीज़ कमज़ोर, तो पांचों चीज़ का इलाज सूर्य ही कर सकता है। ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर आपके घर में कोई कामली बाई बहुत त्रास देती है और टिकते नहीं है, बार बार छोड़ के जाती है, ये उसका एक सिम्टम है। क्योंकि वो ग्रह अच्छा है तो कामली बाई टिकती है, वो ग्रह अच्छा है तो मसल्स मजबूत होते हैं और पार्किंसन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देखेंगे कि आपकी कोई फैक्ट्री है या बहुत ज़्यादा लोग आपके इधर काम करते हैं, लेकिन वो जो नीचे दर्जे के लोग होते हैं, मतलब जो वर्कर होते हैं, वो आपको बहुत टेंशन दे रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो आपको भी ये चांसेस हो सकते हैं। मैं होगे नहीं बोलूँगा, चांसेस हो सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अगर आप फील करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। या देखिए, मैंने जब जब जिसको जो जो सिम्टम बताए हैं, मैंने बोला है कि भाई ये पर्सन को ये सिम्टम की वजह से हार्ट अटैक आएगा, तो उन्होंने जब ECG रिपोर्ट निकाली तो उसमें वो सिम्टम दिखाई दिए। उसी तरह से एक सिम्टम मैं बता रहा हूँ, वो सिम्टम अगर आते हैं तो आप समझ लेना कि आपको पार्किंसन से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। वो इशू है, आप सो के उठते हो या सोते टाइम या वाइफ से संबंध करते टाइम, किसी भी हालत में कभी आपको पैर में क्रैम्प आते हैं, ऐसा नस में नस चढ़ जाती है जिसको हमको मसलना पड़ता है हाथ से, तब वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। इट मीन्स आपके मसल्स वीक है, बहुत वीक है। ये सिम्टम है कि मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएट होगा, लेकिन हाँ कभी ना कभी एक साल दो साल तीन साल पाँच साल या आठ साल बाद वो प्रॉब्लम आएगा ही, रोका जा सकता है बहुत पहले। जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिन जिन को पार्किंसन है, जिन जिन को है, वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर ले, उनको क्रैम्प वगैरह आना बार बार होता था, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार या हफ्ते में तीन बार, उनको वो ज़रूर आया होगा, क्रैम्प आ जाते हैं। आप समझ गए कि नस पे नस चढ़ जाती है पैरों की, तो हमको उसको मसल एकदम दर्द होने लगता है, बहुत पेन होने लगता है, तो हम उसको आस्ते 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 पैर को रिलीज करते हैं और पैर को मसलते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। लेकिन फिर 4-5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर से ऐसा होता है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। अगर ये सिम्टम है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, और या फिर उस टाइम पे नहीं, लेकिन उसके बाद कभी कभी तो आपको पार्किंसन का प्रॉब्लम आया तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। देखिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, ये सब लोग लोगों की भलाई के लिए ही है। हाँ, उसमें कुछ अच्छे और बुरे होते हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको कि हर डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, वो कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, वो चूज़ करना है आपको कि भाई आप किसके पास जा रहे हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग डरा देते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी डरा देते हैं, लेकिन अब ये हो गया है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर रियली डरा देते हैं और कुछ लोग सच बोलते हैं तो भी लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पाए तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो जड़ से। मतलब अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं कि क्रैम्प आ रहे, कोई भी एज में हो सकता है, आप अगर जानते हैं जनरली पार्किंसन जो होता है वो 30+ के बाद होता है, लेकिन मेरे पास एक पर्सन आए थे जिसकी एज थी 28, शादी नहीं हुई थी उनकी, तो लड़का था, पतला लड़का था, और उसने मुझे बताया कि मैंने कुंडली में देखा, मैं बोला कि सर आपको है ना, यू हैव टू केयरफुल, आपको पार्किंसन रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उन्होंने उसी टाइम ऐसा गिलास उठाया और ऐसा हाथ काँप रहा था, बोले सर आप यही बोल रहे हैं, मैं बोला हाँ मैं यही बोल रहा हूँ।
बोले सर वो चालू हो गया है, तो वो डेफिनेटली उसका मैंने वो ट्रीट किया और टाइम लगा थोड़ा सा, 8-9 महीने लगा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब उसके बाद वो पार्किंसन कभी नहीं आएगा उसकी पूरी लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ से आप जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको या तो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं, और एस्ट्रोलॉजर इसको ठीक नहीं कर पाएगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर ज़रूर ठीक कर पाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजर कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है तो डेफिनेटली इसको ट्रीट कर पाएगा वो। तो अगर इस तरह की इशू से आप ग्रसित हैं या परेशान हैं या आप इसको ठीक करना चाहते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, आई मीन कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खानी है ऑन गोइंग पूरी ज़िंदगी वगैरह वगैरह, तो बहुत आसानी से बहुत ईजी वे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ठीक होगा। कई चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या NLP से ठीक होगी, लेकिन ये ना एस्ट्रोलॉजी से ठीक होगी ना NLP से ठीक होगी, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग से मसल्स का कोई संबंध नहीं होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कुछ भी प्रॉब्लम है वो NLP से ठीक हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर है, यह हार्डवेयर है, हमारी बॉडीज है हार्डवेयर। हड्डी का प्रॉब्लम होगा, मसल के प्रॉब्लम होगा, बॉडी का लंग्स किडनी इससे का प्रॉब्लम होगा, तो वो NLP से सॉल्व नहीं होता है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे और आप उस चीज़ से बाहर आ पाओगे। अगला यूनिक टॉपिक हम अगली बार लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।